जोमैटो केचप एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड लगभग हर घर या होटल्स में रहती है। शहर और गांव दोनों ही जगह इसकी काफी डिमांड है, जिसके कारण टोमेटो केचप की एक काफी अच्छी मार्केट है। ऐसे में आप भी अपने प्रोडक्ट की बेहतर मार्केटिंग करके अपना ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। टोमेटो सॉस का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के स्नैक्स आइटम्स जैसे कि रोल्स, कटलेट्स, समोसा, चाउमीन एवं अन्य कॉन्टिनेंटल और चाइनीज डिशेस के साथ किया जाता है। इंडिया में अगर हम यंगस्टर्स की बात करें तो लोग रोड साइड ढाबों, होटल्स एवं घरों में भी चाइनीज या कॉन्टिनेंटल खाना पसंद करते हैं, जिसके कारण टोमेटो प्रोसेस बिजनेस में लगभग 75% की अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। तो केचप मैन्युफैक्चरिंग पर एक एक्सक्लूसिव इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री, जिसकी मदद से आप भी अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और इसमें कामयाब हो सकते हैं। चलिए जानते हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग: टोमेटो केचप, टोमेटो प्यूरी, टोमेटो पल्प। इसके अलावा आप इन मशीन की मदद से पिज़्ज़ा सॉस, पास्ता सॉस, मस्टर्ड सॉस इत्यादि भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। मशीन्स: इसमें लगने वाली मशीनें फ्रूट वॉशिंग मशीन है, फ्रूट सॉर्टिंग मशीन हो गया, क्रशिंग मशीन है, पल्पिंग मशीन, उसके बाद कुकिंग मशीन, कुकिंग के बाद आपका होमोजेनाइजेशन आएगा, फिर आपका फिलिंग सेक्शन आएगा। ये फिलिंग में आपका बॉटल फिलर, बॉटल कैपर, बॉटल वॉशर, ये सब मशीन रहेगा। इस बिजनेस के लिए आपको जिन मशीन्स की आवश्यकता होगी वो है फ्रूट वॉशिंग मशीन, सॉर्टिंग मशीन, क्रशिंग मशीन, पल्पिंग मशीन, कुकिंग मशीन, होमोजेनाइजर, फिलिंग सेक्शन विच इंक्लूड बॉटल फिलर, बॉटल वॉशिंग मशीन, बॉटल कैपर। रॉ मटेरियल: टोमेटो सॉस, टोमेटो प्यूरी, जूस इत्यादि बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल के तौर पर फ्रेश टोमेटोज या टोमेटो पेस्ट की आवश्यकता होगी। वही रेड या ग्रीन चिली सॉस मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको रेड चिली या ग्रीन चिली की आवश्यकता होगी। साथ ही आपको फ्रूट कलर, शुगर, सॉल्ट, स्पाइसेस, वाटर इत्यादि की भी आवश्यकता होगी। एरिया: इसके लिए अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना रिक्वायर्ड है, कोई 200 किलो पर आवर बनाता है, कोई 500 किलो या कोई 1 टन बनाता है, उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग एरिया रिक्वायर्ड रहता है, जिसमें आप 1000 स्क्वायर फीट से लेकर 5000 स्क्वायर फीट तक का एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इलेक्ट्रिसिटी: इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 15-20 किलोवाट बिजली की आवश्यकता होगी। इन्वेस्टमेंट: इस बिजनेस को एक छोटे स्तर पर शुरू करने के लिए आपको लगभग 5,00,000 रुपए तक की मशीनरी की आवश्यकता होगी, जिसमें आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स की मदद से टोमेटो केचप तैयार कर सकते हैं। वहीं इस बिजनेस को ऑटोमेटिक मशीन की मदद से शुरू करने के लिए आपको लगभग 20-25 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। प्रोसेस: टोमेटो केचप तैयार करने के लिए सबसे पहले फ्रेश टोमेटोज की वॉशिंग की जाती है। जिसके बाद आप मैन्युअली या सॉर्टिंग कन्वेयर की मदद से सॉर्टिंग करते हैं। जिसके बाद टोमेटोज की क्रशिंग की जाती है। क्रशिंग प्रोसेस के बाद पल्पर से पल्पिंग होती है। पल्पिंग के बाद इसे कुकिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है, जहां आप केचप, प्यूरी, ग्रीन और रेड चिली सॉस तैयार कर सकते हैं। कुकिंग प्रोसेस के बाद होमोजेनाइज करने के लिए कोलाइडल मील या हाई प्रेशर होमोजेनाइजर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बाद आपके प्रोडक्ट को पैकेजिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहां फिलिंग मशीन की मदद से फिलिंग होती है और क्राउनिंग कैप मशीन की मदद से बॉटल में कैप ऐड कर दिए जाते हैं, जिसके बाद आप इसे मार्केट में सेल करने के लिए भेज सकते हैं। मार्केटिंग:
आप अपने प्रोडक्ट्स को होलसेल में भी किसी भी ग्रोसरी स्टोर, सुपरमार्केट्स, मॉल्स इत्यादि में बल्क में सप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने प्रोडक्ट्स को रिटेल या ऑनलाइन सेल करके भी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी। टोमेटो केचप बनाने के लिए जिन रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी उसकी कॉस्ट लगभग 30 से 32 रुपए पर केजी तक होगी, वहीं पैकेजिंग और डायरेक्ट कॉस्ट लगभग 30 रुपए पर केजी तक होगी। कन्वर्जन कॉस्ट मिलाकर आप अपने प्रोडक्ट को लगभग 70 से 75 रुपए पर केजी के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। वहीं इस प्रोडक्ट को आप मार्केट में 85 रुपए पर केजी के हिसाब से सेल कर सकते हैं। उस हिसाब से अगर आप 100 केजी पर आर की कैपेसिटी पर काम करते हैं तो आप एक दिन में लगभग 7 से 8 हजार रुपए तक का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लाइसेंस। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको जिन लाइसेंस और गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होगी वो है FSSAI लाइसेंस, GST नंबर, उद्योग आधार, साथ ही आपको फायर डिपार्टमेंट से NOC लेने की आवश्यकता होगी।